हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ इन्फोसिस वर्सेस असेंचर के बारे में। मींस कौन सी कंपनीज बेस्ट है एज अ फ्रेशर ज्वाइन करने के लिए। अगर आपके पास में दोनों कंपनीज के ऑफर लेटर हैं तो आप किस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। 6 मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ बिफोर ज्वाइनिंग, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप सबके साथ में कंक्लूजन शेयर करने वाला हूँ। जो सारे पॉइंट्स रहेंगे उसमें सैलरी, सैलरी हाइक्स, आपका ब्रांड वैल्यू और ट्रेनिंग, इन सब चीज़ के रिलेटेड होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही आप अपने इस चैनल न्यूटेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए डेली नए नए जॉब और प्रिपरेशन अपडेट्स के लिए। इससे पहले भी TCS वर्सेस असेंचर और कॉग्निजेंट वर्सेस असेंचर और विप्रो वर्सेस असेंचर का वीडियो लेकर आ चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अगर बढ़िया लगेगा तो, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 6 मेजर पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसका जो पहला पॉइंट है वो है हमारा सैलरी और जॉब रोल्स फॉर द फ्रेशर्स। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इन्फोसिस के बारे में, तो इन्फोसिस का जो दो हायरिंग आता है, मतलब दो जॉब रोल्स के लिए फ्रेशर्स का हायरिंग आता है। पहला होता है एसई रोल का और दूसरा होता है डीएसई रोल का। जो एसई रोल है मीन्स जो स्पेशलिस्ट इंजीनियर का रोल है, उसमें 3.6 एलपीए का आपको सीटीसी प्रोवाइड किया जाता है, और डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर का जो रोल है उस पर आपको 5 to 8 एलपीए का जॉब रोल मीन सीटीसी प्रोवाइड किया जाता है। अगर सैलरी की बात करें तो इन्फोसिस का जो 3.6 एलपीए का सीटीसी है उसमें आपको अराउंड 22K पर मंथ मिलता है, और वहीं अगर 5 to 8 एलपीए की बात करते हैं तो 45K के अराउंड या उससे थोड़ा ज़्यादा आपको डीएससी रोल में मिल जाता है। वहीं असेंचर में दो जॉब रोल्स आते हैं, पहला है एएससी और दूसरा है एसई। एएससी में आपका एसोसिएट सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियर का आता है, जिसमें आपको 4.5 एलपीए मिलता है सीटीसी, और जो आपका सैलरी है वो 28,000 के अराउंड पर मंथ बनता है। और वहीं एसी रोल के लिए 6.5 एलपीए का आपको सीटीसी मिलता है, जिसमें 45K के अराउंड आपका पर मंथ सैलरी बनता है। तो अगर हम लोग सैलरी का कंपैरिजन करें तो असेंचर कहीं ना कहीं इन्फोसिस से बढ़िया है। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है हमारे पास में सैलरी हाइक्स एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट। तो सैलरी हाइक कितना है और ट्रेनिंग पीरियड क्या क्या होता है, मीन्स कितने टाइम का ट्रेनिंग पीरियड होता है। अगर बात करें इन्फोसिस के बारे में, तो इन्फोसिस का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 3 months का होता है, जिसमें 5 to 7% का आपको हाइक देखने को मिल जाता है आपके सैलरी में। मीन्स अगर आप 1 साल काम करोगे तो उसमें अराउंड आपका जो बेस सैलरी होता है, जो आपका सीटीसी है उसके बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, जो बेस आपका जो सैलरी है, मीन्स जो बेस अमाउंट आपको पर मंथ जो आपको पे करती है कंपनी, उसमें आपको 5 to 7% का हाइक मिलता है। वहीं अगर एसेंचर की बात करें तो एसेंचर में जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो भी 2 to 4 months का होता है, और जिसमें आपका जो अगर सैलरी हाइक की बात करते हैं तो आपका 8 to 15% तक एनुअली सैलरी हाइक आपको मिल जाता है। सैलरी हाइक यूजुअली आपके परफॉर्मेंस पे होता है, आपके प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, तो तीसरा पॉइंट है ब्रांड वैल्यू इन मार्केट। इन्फोसिस और एसेंचर दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। दोनों का ही जो ब्रांड वैल्यू है मार्केट में वो ऑलमोस्ट सेम है। मीन्स एज अ फ्रेशर दोनों ही मतलब मास हायरिंग करती हैं फ्रेशर्स का, तो अगर आप दोनों में से किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको सेम ब्रांड वैल्यू देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग चौथे पॉइंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास है कंपनी का बॉन्ड। सबसे पहले जान लेते हैं बॉन्ड होता क्या है, व्हाट इज़ बॉन्ड। तो बॉन्ड एक ऐसा मिनिमम एक क्राइटेरिया है, एक मिनिमम अमाउंट फिक्स किया जाता है एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए, कि अगर आप उस टाइम पीरियड तक आप कंपनी के साथ रहते हैं तो बढ़िया है, बट अगर आप उस टाइम पीरियड से पहले आप कंपनी का साथ छोड़ देते हैं, लाइक अगर किसी कंपनी का बॉन्ड बना हुआ है 1 साल का, तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा कंपनी को एज अ कंपनसेशन। ठीक है, तो ये होता है आपका बॉन्ड। तो बॉन्ड बेनिफिशियल है फ्रेशर्स के लिए या नहीं, तो सिंपली नो। कोई भी बॉन्ड किसी भी फ्रेशर के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अगर बॉन्ड रहता है किसी कंपनी में तो आप उस कंपनी के साथ में बंद करके रहते हो। अगर बात करें इन्फोसिस के बारे में, तो इन्फोसिस का जो बॉन्ड है वो 1 ईयर का है, और ये 1.2 लाख का बॉन्ड होता है। मीन्स अगर आप 1 ईयर से पहले आप इन्फोसिस को छोड़ देते हो तो आपको 1.2 लाख तक अमाउंट पे करना पड़ता है इन्फोसिस को। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है वो 2017 का है,
तो इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। बट अगर वहीं पे असेंचर की बात करते हैं तो असेंचर में कोई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ नोटिस पीरियड है। मीन्स जब भाई आप कंपनी से छोड़कर कंपनी को जाने वाले होते हो तो आपको 3 मंथ्स बिफोर आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है लाइक मैं कंपनी छोड़ने वाला हूँ, सो डैट कंपनी जब अगला रिक्रूटमेंट करे या आगे का जो प्रोसेस हो तो उसमें कंपनी अपने अकॉर्डिंग मतलब आपका जो जो आपका जगह है उस चीज़ को एक्सक्लूड करके वो उस अकॉर्डिंग प्लान करे। तो यहाँ पर भी असेंचर इन्फोसिस से बढ़िया है फ्रेंड्स। अगर बात करें जॉब सिक्योरिटी फॉर द फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस के बारे में, तो जॉब सिक्योरिटी दोनों ही कंपनीज को ऑलमोस्ट सेम होता है, बट असेंचर में जो जॉब सिक्योरिटी है वो 9/10 है और जो इन्फोसिस में जॉब सिक्योरिटी है वो 8/10 है। अगर वर्किंग आवर्स की बात करते हैं तो असेंचर में 9 आवर्स का वर्किंग आवर है और इन्फोसिस में 10 आवर्स का वर्किंग आवर है। मीन्स यहाँ पर भी एज अ फ्रेशर आपको 9 आवर्स असेंचर में मिलेंगे और 10 आवर्स आपको इन्फोसिस में मिलेंगे। तो यहाँ पर भी असेंचर इन्फोसिस से बढ़िया है फ्रेंड्स। दूसरा, अगर बात करते हैं वर्क कल्चर और लाइफ बैलेंस के बारे में, तो इन्फोसिस का जो वर्क कल्चर और लाइफ बैलेंस है उसमें 6/7 है और असेंचर का जो है वो 6/10 है और असेंचर का 7/10 है। मीन्स ये तो टोटल जो आपका वर्क कल्चर और लाइफ बैलेंस है टोटल 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है आपका ट्रेनिंग, दूसरा है आपका प्रोजेक्ट्स और तीसरा है आपका टीममेट्स। मीन्स अगर आपको ये 3 चीज़ बढ़िया हो जाएगा तो उसके बाद में आपको आपका जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट सही बनेगा, आपके टीममेट सही रहेंगे, आपका ट्रेनिंग अगर सही हो जाएगा तो फिर आपका वर्क कल्चर सही रहेगा, लाइफ बैलेंस सही रहेगा। अगर वहीं पे आपका प्रोजेक्ट सही नहीं बनता है, मीन्स अगर आपके टीममेट्स सही नहीं मिलते हैं, आपको ट्रेनिंग सही नहीं मिलती है, आपके पास स्किल सही नहीं रहते हैं, तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट के कारण आपका वर्क कल्चर और लाइफ बैलेंस पूरी की पूरी तरह से कंपनी में ठप पड़ जाएगी। तो यहाँ पर भी एसेंचर के पास में 1 पॉइंट ज़्यादा है इन्फोसिस से। अगर बात करते हैं लर्निंग्स और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में, तो सेम चीज़ मीन्स आपके प्रोजेक्ट्स पे, आपके स्किल्स पे, आपके मैनेजमेंट पे, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सीखने को मिल रहा है। लाइक अगर आपके पास में कोई लेटेस्ट प्रोजेक्ट आ जाता है जिस पे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करना होता है, उसमें आपको ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा ग्रो करोगे, आप ज़्यादा लर्न करोगे, जो कि आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं रीहायरिंग पॉलिसी के बारे में, तो सबसे पहले रीहायरिंग पॉलिसी होता क्या है। तो अगर आप किसी कंपनी को छोड़कर जाते हो, लाइक सपोज करो आप एसेंचर में आप काम कर रहे हो, 2 साल आपने काम किया एज अ फ्रेशर और फिर उसके बाद में आप कंपनी को छोड़कर जाते हो, आप कहीं और काम करते हो और फिर से आप एसेंचर ज्वाइन करना चाहते हो, तो क्या आप कर सकते हो या नहीं। मीन्स रीहायरिंग पॉलिसी ऑफ हायरिंग ऑफ कैंडिडेट इन अ पर्टिकुलर कंपनी, वो होता है आपका रीहायरिंग पॉलिसी। तो इन्फोसिस की अगर बात करते हैं तो इन्फोसिस में रीहायरिंग पॉलिसी होता है, मीन्स मतलब एज फार एज वन नोज द एक्स एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी कैन वेलकम बैक, ओके, सो एज लॉन्ग एज द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड नोटिस पीरियड एंड जेन्यून रीजन्स वेयर प्रोवाइडेड फॉर लीविंग द कंपनी, फॉर्मर एम्प्लॉयज ऑफ द इन्फोसिस मे अप्लाई टू गेट रीहायर्ड। एंड द सेम केस कैन बी डन इन दी असेंचर ऑल्सो। दोनों ही कंपनीज रीहायरिंग पॉलिसी को फॉलो करती है, आप दोनों ही कंपनी में दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। अगर बात करते हैं कौन सी कंपनी बेस्ट है एज अ फ्रेशर आपको स्टार्ट करने के लिए, अगर आपके पास में असेंचर का भी ऑफर लेटर है और इन्फोसिस का भी ऑफर लेटर है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप असेंचर को ज्वाइन करो, क्योंकि असेंचर का वर्क कल्चर थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है अकॉर्डिंग टू इन्फोसिस। आपके पास में जो सैलरी है, जो आपका CTC है, वो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आप कंपेरिजन कर सकते हो, अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं वहाँ पर पर्सनली आपको DM कर दूंगा, और इंस्टाग्राम ID है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल।